आने वाले 24 तारीख को होली के लिए बसव कल्याण टाउन में पब्लिक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सभी धर्म के लोगों को बुलाकर सभी से राय मशवरा किया गया और हिंदू भाइयों से कहा गया कि रमजान का महीना चालू है, होली मनाते राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस लोन फैसिलिटी अवेलेबल। समय थोड़ा मुस्लिम भाइयों को तकलीफ न हो इस तरह से मनाएं। और रात MD मूसा MSNSS ग्रिल वर्कशॉप शिपुर रोड संतोष गैस के सामने, यहाँ पे सभी तरह के फैब्रिकेशन और हम उस लाइट का काम किया जाता है। के समय जब नमाज चालू होती है तब साउंड बंद करे और मिलजुल कर भाईचारे से ईद मनाए। बसव कल्याण पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है, कोई भी कहीं भी कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मीटिंग में मौजूद टाउन CPI अली साहब, टाउन PSI अम्बरीश, ट्रैफिक PSI सुवर्णा मैडम, CMC कमिश्नर राजू, फायर ब्रिगेड PSI प्रवीण, CMC काउंसलर गफ्फार पेशमाम, CMC काउंसलर राम जाधव, तमाम लीडर्स और बसव कल्याण की अवाम मौजूद थी। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रखी गई है ये अपनी जगह है, लेकिन हम दो क्या बोलेंगे अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सब मजहब का हमारे पास मान और सम्मान और इज्जत होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस के जरिए नहीं आ सकते, डायरेक्शंस कंडीशन के जरिए नहीं आ सकता। जो एक दूसरे की जो इज्जत है हमको खुद को करना है, हमारे मजहबों को एक दूसरे के लोग जो है इज्जत करेंगे तो बराबर आने वाला कोई मसला ही नहीं रहेगा। रमजान है तो वो सबके लिए होगा, होली है तो सबके लिए, तो रेस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए। हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा खास स्पेशल मंथ है रमज़ान, जिसमें सुबह 5 बजे रोज़ा जो है शुरू किया जाता है तो पूरा 7:45 बजे तक रोज़ा, अभी 20 मिनट में 25 मिनट में रोज़ा खोलने का टाइम है तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, लेकिन उस वक्त हर वक्त जो नमाजें वगैरह होते रहते हैं तो मैं हमारे हम वतन भाइयों से यानी सभी कम्युनिटी के भाइयों से मेरी अदबन रिक्वेस्ट है कि आप भी रमज़ान का मौका है थोड़ा सा आप उस रमज़ान के मौके पर जो है हमारे भी जो कल्चर है उस हिसाब से आप भी रेस्पेक्ट कीजिए, आपकी जो है फेस्टिवल को हम भी रेस्पेक्ट करेंगे और प्यार से इसी तरह से यहाँ पर भाई अमन शांति के साथ इसी तरह से इसी अंदाज में हम लोग जिएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।